नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहो, खुश रहो, आपका शुभ दिन हो। पीए नमरसी हाई स्कूल इन लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। व्याकरण विभाग को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए आज एक टॉपिक फिर से लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका नाम है कहानी लेखन। कहानी शब्द सुनते ही बच्चे चहक उठते हैं। बच्चों को परियों, भूतों एवं राजा रानी की कहानी में बड़ा आनंद आता है। जिस तरह से बच्चों को पहले दादी नानी रात को राजा रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। कहानी एक कला है, इसे भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम भी कह सकते हैं। अब कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखने योग्य है, तो पहली रूपरेखा। कहानी लिखने के पहले प्रश्न पत्र में दी गई रूपरेखा को 2-3 बार सावधानी से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कहा जाता है, जिसे हम मुद्दे भी कहते हैं। रूपरेखा को ध्यान में पूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी भली भांति समझ में आ जाएगी। विद्यार्थी को तय कर लेना चाहिए कि वह अपनी ओर से कहाँ कितना रंग भर सकता है, अपनी कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है और किस संकेत का कितना विस्तार करना है। अब कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिख देने से कहानी नहीं बनती। वर्णन, विस्तार, वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। तो वर्णन, कहानी में स्थान, घटना, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। विस्तार, विद्यार्थियों से लगभग 20 पंक्तियों में कहानी की अपेक्षा की जाती है। वार्तालाप, कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होने चाहिए। संवाद बड़े स्वाभाविक और छोटे स्पष्ट होने चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों में संवाद वर्तमान अथवा भविष्यकाल में भी हो सकते हैं। रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए, अर्थात उन्हें उलट पुलट न किया जाए। अब परिच्छेदों में विभाजन, पैराग्राफ में कैसे विभाजन करना है। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में लिखना ठीक नहीं है। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। अब है आगे भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाही होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। प्रारंभ और अंत, कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों ही संक्षिप्त और रोचक भावपूर्ण होने चाहिए। शीर्षक, कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित छोटा सा, आकर्षक और सूचक होना चाहिए। शीर्षक देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखिए। कहानी का मुख्य संदेश, जैसे फुफकारो लेकिन काटो मत। कहानी का मुख्य प्रसंग, पात्र जैसे लालच का फल, सच्ची माँ आदि। कहानी की रूपरेखा में किसी सूचक संकेत को भी शीर्षक के रूप में रखा जा सकता है, जैसे महात्मा का न्याय। अब कहानी के अंत में बोध अथवा सीख होनी चाहिए। कहानी पूरी होने के बाद अलग परिच्छेद में कहानी से मिलने वाला बोध अर्थात सीख लिखना या लिखनी चाहिए। तो बच्चों, ये हुए कहानी के किस प्रकार से बात लिखते समय बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब कहानी का एक हम नमूना देखते हैं कि परीक्षा में किस तरह से कहानी पूछी जाती है। तो निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक देकर बोध भी लिखिए। तो मुद्दे दिए हुए हैं, जिस प्रकार से एक जमींदार - बहुत से नौकर चाकर - दिन प्रतिदिन खेती की आमदनी घटते जाना - मित्र की सलाह - रोज सुबह शाम खेत की सैर करो
जमींदार का खेत पर जाना, देखना, कुछ नौकर गायब, कुछ चीज़ें गायब, आंखें खुलना, खुद काम में लग जाना, सभी में उत्साह, आमदनी बढ़ना। तो अब ये मुद्दे दिए हैं, इसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो इसका शीर्षक, जैसे कि यहाँ पर एक नमूने के रूप में मैंने आपको यह कहानी मुद्दे दिए हैं और उसके ऊपर से लिखी हुई बताई है। तो शीर्षक पहले इस पर देना है, तो शीर्षक है, जहाँ श्रम वहीं संपत्ति, अथवा अपना काम खुद करो। और पूरी कहानी विस्तृत से मैंने इसमें बताई है, समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।